हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं कि आज हम रूम को खाली कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं और शिफ्ट होना है। तो आपके पास अगर इंजीनियरिंग वुड वाली अगर आपकी बेड हो और आपको घर में खुद से उसको खोलना है तो कैसे खोलेंगे, वो मेरे हस्बैंड खोल रहे हैं, तो वो दिखाएंगे भी और आपको हम बताएंगे भी कि कैसे खोल रहे हैं। चलिए वीडियो भी बने रहे और आपका आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग वुड है का बेड है तो वो आपको टेक्निकली खोलना पड़ेगा। इसमें आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है, फोर्सफुली नहीं, इसमें आपको दिमाग से खोलना है। इसके लिए आपको बस चाहिए सिंपली दो टूल, पहला ये एलन की, दूसरा ये सीएसडी आपको चाहिए होगा, 6 इंच या 8 इंच कोई भी सीएसडी आपके पास अवेलेबल है और एलन की 4 नंबर आपके पास है। तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक ये वाला खोल चुका हूं मैं, तो सबसे पहले एलन की से क्या करना है, जहां जहां मुझे एलन की का कनेक्शन दिख रहा है वो मैं एलन की का कनेक्शन को पूरा खोल लूंगा, और जहां जहां मुझे सीएसडी, जैसे आप इधर आइए फ्रेंड, इधर आइए, इधर दिखाइए, ये देखिए ये जो स्क्रू है ये पूरा नहीं खुलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लॉक और अनलॉक। तो अभी पहले ये लॉक था ऐसे, अब मैंने इसको ऐसे हल्का सा घुमा के अनलॉक कर दिया। तो यहाँ ये स्क्रू जहां जहां आपको दिखे, देख लो आप कैमरा को, मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये स्क्रू आपको जहां जहां दिखेगा, ये वाला स्क्रू, ये वाला, जहां जहां आपको ये स्क्रू दिखेगा उसको आप अनलॉक कर लो, और जहां जहां आपको एलन की वाला स्क्रू दिखेगा उसको आप कंप्लीटली खोल लो। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ एलन की वाला स्क्रू कहाँ कहाँ है अभी, ठीक है, रुके फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी एक खोल रखा है मेरे हाथों में है, देखिए ये आप देख सकते हैं ये एलन की वाला है, ठीक है, और ये सब मैंने खोल रखा है, ठीक है। तो मतलब आपको दो प्रोसेस है, बाकी मेरी वाइफ आपको करके दिखा रही है। अच्छे से रखे हाँ, आपको काम आ सकता है। देखिए ये एलन की वाला स्क्रू है, ये स्क्रू आपको जहां जहां दिखे वो आप खोल लो कम्प्लीटली, और बाकी जो मैंने आपको बताया वो उसको अनलॉक कर लो। तो बाकी अभी मेरी वाइफ ही दिखाएगी आपको कि मैं कैसे इसको धड़ाधड़ कर रहा हूँ। लीजिए कैमरा को आप पकड़िए, हाँ। तो अभी हम लोग अपना रूम को ये कर रहे हैं, तो धड़ाधड़ आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी, इसको ज्यादा आपको ये नहीं करना है, फोर्स नहीं देना है। तो मैं अभी यहाँ पे एक एलन की है तो उसको मैं खोल रहा हूँ, देखिए ये खुल गया है। दीजिए हाँ, इसको मैं अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि ये फिर बाद में काम आएगा। हाँ, अब ठीक उस तरफ भी दो एलन की है, उसको भी मुझे खोलना है। तो खोलते समय काफी इजी है, लगाते समय तो बहुत टफ है। लगाने का प्रयास आप ना करें, उससे आपका बेड खराब हो जाएगा। आप प्रॉपर लगाना हो तो आप प्रॉपर अपने जो भी इसके टेक्नीशियन है उसको बुला के करें, खोलना काफी आसान है। और देखिए यहाँ बहुत कचरा हो चुका है, क्योंकि ये कचरा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके नीचे हम साफ नहीं कर पाते थे, यहाँ झाड़ू झाड़ू वाड़ू जाता नहीं था और इसको घसका के डेली साफ करना पॉसिबल नहीं था, तो बहुत कचरा हो चुका है। मैं खुद ही देख के हैरान हूँ। और हाँ गाइस, हमारा ये घर 1 महीने से बंद था, हम छुट्टी पे थे इसलिए, तो बहुत ज्यादा कचरा, 2 महीने से लगभग। तो हमने भी सारा एलन की खोल लिया है। अब मैं देखिए जहां जहां मुझे ये वाला स्क्रू दिख रहा है ना उसको मैं लॉक अनलॉक करूंगा। देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो इसको मैं अभी अनलॉक करूंगा, समझिए। तो ये अनलॉक हो गया, ये लॉक है, इसको मैंने अनलॉक कर दिया, ठीक है। तो ये भी अनलॉक हो गया और ये भी अनलॉक हो गया, ठीक है। घर को पहले अच्छे से सजाओ फिर इसको खाली करके जाओ, बहुत मुश्किल है। ऊपर से बहुत गर्मी, आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ कितनी गर्मी, मतलब इतना धूप आ रहा है। और ज्यादा इसमें बल का प्रयोग ना करें फ्रेंड, ज्यादा बल, क्योंकि इंजीनियरिंग वुड है ना। हाँ। तो ये तो हम अपने काम चलाओ के लिए थे, बाकी अच्छा है। इसको एक जगह इसको रख दो तो ये बहुत दिन तक चलेगा। हाँ। कब बजट में अच्छी चीज है, देखिए ये अलग हो चुका है। हाँ, एलन की से मैंने किया, अलग हो गया। हाँ। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, तो दिखाइए दूर से, इधर से दिखाई तो समझ में आएगा व्यूअर्स को। अभी देखिए ये इससे पकड़ा हुआ है तो नीचे वाला अनलॉक हो गया है, ऊपर वाला अनलॉक नहीं हुआ है। तो देखिए पहले मैं इसको कम्प्लीटली लॉक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, अब मैं इसको कोशिश करूंगा मारने का, देखिए ठीक है अनलॉक हो गया। इसको पूरा नहीं खोलना है, हाँ ये कहीं से भी और फंसा हुआ है, देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ठीक है, ये है इंजीनियरिंग वुड का कमाल।
तो इसीलिए इस पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप इसको लगा भी सकते हैं आसानी से। ना ना ये सब स्क्रू लग के नहीं आता ना, इसे स्क्रू खुद लगाना पड़ता है। तो इसको खोल के रखना नहीं पड़ेगा ना, वरना कहीं गिर तो नहीं जाएगा ना। इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी हमने दो खोल लिया, अब मैं वहां पर खोलूंगा सेम इसी प्रोसेस से। हाँ तो चलिए सेम जब पूरा खोलना हो जाए। ये लॉक में ठीक है। अब यहाँ मैंने दोनों स्क्रू खोले, देखिए देखिए बाहर आ गया फ्रेंड। तो ये हो गया ना बाहर। नहीं अभी ये वाला बाकी बचा है, बीच वाला बचा हुआ। अब इसको मेरे को अनलॉक ना देखिए, अभी ये अनलॉक नहीं हुआ है। ऊपर वाला अनलॉक हो गया, नीचे वाला अनलॉक नहीं हुआ है। तो पहले इसको टाइट कर लो, फिर इसको खोल लो। ओके हाँ इक्वली मारना है, अदरवाइज आपका ये बिल्ड खराब हो सकता है। और एक बार खराब हो गया तो समझो वेस्ट ऑफ मनी हो गया, फिर इसको आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप दोबारा यूज करना चाहते हैं तो जिस तरह हम आपको बता रहे हैं उस तरह से करिए। एक साल हो गया बेड का क्या? क्योंकि 1000 रुपया आपका लगेगा इसको डिसमेंटल करने का। तो अगर आप अपना 1000 रुपया बचाना चाहते हैं इंस्टॉलेशन का, 1000 ना इंस्टॉलेशन तो कंपनी लगभग फ्री कर देती है, बट जब आपको डिसमेंटल करना हो पैसे लग जाएंगे आपको। अब मुझे पहले ये वाला अलग करना है ठीक है। अपना जरा फास्ट एंड फ्यूरियस करके दिखा दो। दो ये हेडबोर्ड है और इसका क्लैंप, इसका क्लैंप है। आपके पास स्पेस है तो आप इसको ऐसे रख लो। हाँ। और अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो इस क्लैंप को खोल लो फ्रेंड, और नीचे वाला ऊपर वाला को अलग करो। खुला है? हाँ इसको हम लोग खोल लेंगे ठीक है। जैसे क्या उसमें भार रखने से टूट जाएगा ये वाला। तो खोल लीजिए भाई, हम खोलते हैं ना ठीक है। तो दिखाते से करते हुए दिखाते बस। अब फास्ट एंड फ्यूरियस दिखाते ना।